हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं गई थी गांव के मार्केट में, वहां का व्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और साथ में विनी भी थी। तो आइए देखते हैं विनी अपने लिए क्या लेके आई हैं। विनी, क्या शॉपिंग की हो? क्या लेके आ रहे हो विनी? रुको। तो इसमें ना पता है इनके ना, इसमें इनका सारा सामान है इसलिए ये नहीं दे रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मटमंगरा के रसम की तैयारी हो रही है। ये जो मटमंगरा होता है ये कहीं कहीं 5 दिन पे और कहीं कहीं 3 दिन पे मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे भी 3 दिन पे मनाया जाता है। और ये देखिए ओखल, ये बहुत ही पुराना ओखल है हमारे यहाँ का और इसको चौक पूर के उसके ऊपर रख दिया गया है। और यहाँ पे देखिए सभी लोग खड़े हो गए हैं, मेहमान आ गए हैं, गांव के लोग भी आ गए हैं, लेकिन दूल्हा नहीं आया अभी तक। वो ऑन द वे है, बॉम्बे से आ रहा है, तो बस कुछ ही मिनटों में वो पहुंच जाएगा। तो फाइनली दूल्हा भी आ गया है और जैसे ही वो आया उसको पानी भी नहीं दिया गया, ना बैठने दिया गया। जैसे ही गाड़ी से उतरा है बस यहाँ रस्म के लिए बैठा दिया गया। तो मम्मी सबसे पहले जो ओखल थी उस पर टीके लगा रही हैं। तो फ्रेंड्स, गांव में ना हर चीज़ बड़े ही ट्रेडिशनल तरीके से मनाई जाती है और ये सब देखने में सच में बहुत अच्छा लगता है। तो टीका लगा दी मम्मी। अब यहाँ इन सभी बच्चों को, 5 बच्चे हैं ये, तो इन सबको तेल लगा रही हैं, उसके बाद टीके लगाएंगी और ये सारी चीज़ होने के बाद हम निकलेंगे मटमंगरा के लिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में। बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से मैं आप लोगों को ये जो व्लॉग है ये शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना थाली की जगह ढोलक होना चाहिए था, लेकिन जो ढोलक वाला है उसके पास लास्ट मोमेंट पे ढोलक था ही नहीं, तो हमने थाली से ही काम चला लिया। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि गांव में कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका अच्छी तरह से टीका वगैरह किया जाता है, तो बस मम्मी वही कर रही थी। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं फाइनली मटमंगरा करने के लिए। तो ये एक कुआं था पहले यहाँ पे, तो कुआं के किनारे ही ये किया जाता है रसम। तो अब तो वो कुआं पट चुका है लेकिन जो रसम है वो यहीं पे सब लोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा गड्ढा करते हैं, उसमें पानी डालते हैं और फिर उसमें 5 हल्दी, 1 सुपारी और 1 कॉइन पैसे का, वो डाल के ये रसम किया जाता है। लेकिन ये स्टार्ट करने के पहले ये जो ठकुराइन है वो मतलब मम्मी को बता रही हैं, ये सभी के यहाँ होती हैं और ये बहुत ही अच्छा खासा नेक भी लेती हैं, तो ये सारी चीज़ें रीति रिवाज से बताती हैं। तो इन्होंने पहले टीका लगाने के लिए कहा तो वही मम्मी टीका लगा रही हैं और जब टीका लग जाएगा फिर हम इस रस्म की शुरुआत कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ना भाई को और मम्मी को इस तरह से चुनरी से ढक दिया गया है। अब मम्मी जो भाई की आँख है उसको अपने पल्लू से ढक देंगी और ढकने के बाद वो जो हल्दी वगैरह था उसको भाई को निकालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ का जो रस्म है वो हो चुका है। अब चलिए घर पे देखते हैं क्या रस्म होने वाला है। तो बने रहिएगा व्लॉग में। तो
विनी देखो तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।